Okay, everyone, welcome back to the channel, the commerce coach. And today we shall be doing financial statements of sole proprietorship. So, basically, it is the chapter number 12 as per the book made by me. But do not worry, I will be sharing with you these notes, or you may take the screenshot. Now, let us start the financial statement part for a sole proprietorship. As we know that. एवरी कंसन हैज़ इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना इन टूडे वी विल बी सी इंग डेट वॉट ड्यू वीड माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सोल प्रपैटरशिप आज हम लोग करेंगे और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि एक सोल प्रपैटरशिप जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे टाइप ऑफ कंसर्न हो सकते हैं पार्टनरशिप कंपनी एंड सो ओन उनमें से ही एक सोल प्रपैटरशिप है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है वो देखेंगे सो नाउ लेट अस स्टडी द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दो स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट डेट शो द प्रॉफिटेबिलिटी डेट शो द प्रॉफिटेबिलिटी विच इज़ इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रजेंट्स अस Ultimate functions. Basically, the first function is profitability. It shows us the profitability and it shows us the financial position with the help of income statement and balance sheet. Income statement and balance sheet. Okay, so it is the general meaning of a financial statement for every concern. Like for financial statement, not it is not limited to financial statements for sole proprietorship only. It is the meaning of financial statement. Whether it can be for companies, whether it can be for a partnership, whether it can be for a LLP. Okay. Now, now in the word of John and Mayo, the financial statement provides a summary of the accounts of a business enterprise, the balance sheet reflecting the asset liabilities. So basically, it shows the summary and balance sheet reflecting the assets liability and capital as a certain as on certain date and income statement showing the result of operation during a certain period so basically we have two statements an income statement and a positional statement for income statement we will having two thing in the case of sole proprietorship in the case of sole in the case of sole proprietor in the case of sole proprietor, we have two things in income statement. First of all is trading account, and second one is profit and loss account. And for positional, we have only one thing known as balance sheet. Okay, so he is very popular writer, and we have also seen what does he say about the financial statement, John and Mayer. Now let us move on. Financial statement includes the following statement. हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट आती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारे पास में है इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनकम स्टेटमेंट एंड इन टू सच इनकम स्टेटमेंट वी विल बी हैविंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर टू इन ग्रॉस प्रॉफिट फ्लैश लॉस एंड नेट प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड सो बेसिकली हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अलग अकाउंट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनेगा और इससे हमें पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से और या तो ग्रॉस लॉस पता चलेगा और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ओके नाउ वी विल बी हैविंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एक स्टेटमेंट हमको इनकम की बताएगी कि भाई यही इनकम है तुम्हारी और एक स्टेटमेंट हमें पोजीशन बताएगी बिजनेस की जो पोजीशन बताएगी उसको बैलेंस शीट बोला जाएगा और जो स्टेटमेंट बताएगी इनकम की उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाएगा जनरली इन द प्रैक्टिस आप देखेंगे कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक ही बारे में बना दिया जाता है साथ साथ ही नाउ नाउ इफ यू सी वी हैव समथिंग मोर शेड्यूल एंड नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट सो बेसिकली स्पेशली इन द केस ऑफ कंपनी अगर आप कंपनी का केस देखेंगे तो वहाँ पर जो नोट्स टू अकाउंट होते हैं वो भी एक पार्ट फॉर्म करते हैं बैलेंस शीट का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास में मिलनी तीन चीज़ें हैं पहली चीज़ इनकम स्टेटमेंट सेकेंड चीज़ बैलेंस शीट जो कि पोजिशन बताती है एंड थर्ड चीज़ वर्किंग नोट्स हो गए या ऐसे कोई भी नोट जो हमारी वर्किंग्स को तो दिखाते हैं या अमाउंट्स के पीछे जो वर्किंग है उनको दिखाते हैं तो स्पेशली जब आप पढ़ेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है तो वहाँ पे कुछ नोट्स बनते हैं हर एक कैलकुलेशन के लिए और हम सोल रुपये के लिए भी बहुत बार बहुत ही ज़्यादा बार बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम में भी आप ये देखेंगे कि नोट्स बनाते हैं अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए तो जो वर्किंग नोट्स होते हैं वो फॉरइंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट होते हैं क्योंकि वो अमाउंट वहीं से उठ के आया हुआ होता है तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा होते हैं नाउ दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आर टर्म डेज फाइनल अकाउंट्स ओके सो एज यू नो डैट दिस चैप्टर इज ऑल्सो गोल्ड एज फाइनल फाइनल अकाउंट ऑफ कोपरेटरशिप तो फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं तो इन दोनों स्टेटमेंट को ही हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं ओके नाउ लेटस सी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है सी यू मस्ट नो ऑल द थियोरीज बिहाइंड अ टॉपिक सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक

टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यूअ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सो बेसिकली मैंने बहुत सारे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे ना लिखे सिर्फ और सिर्फ दो लिखे हैं जो कि अल्टीमेट हैं ठीक है आप इसको भी याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत रहेगा तो सबसे पहला कारण आप इनकम स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं ताकि आपको अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल सके कि भाई आपका बिजनेस चल कैसा रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि आप सेल करके क्या अपने सारे एक्सपेंसिस को रिकवर कर पा रहे हैं क्या इतना कैश कलेक्ट कर पा रहे हैं जिससे आप सारे खर्चे पे कर सकें क्या इतनी लिक्विडिटी बिज़नेस के अंदर इनफ्लो हो रही है जितनी आउटफ्लो हो रही है मार्केट में क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है बिज़नेस से या लॉस हो रहा है क्या हमें बंद कर देना चाहिए अगर लॉस हो रहा है रेगुलर लॉस हो रहा है या हमें कैरी ऑन करना चाहिए या एक्सपेंड कर देना चाहिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये सब चीज़ें हमें फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस में न, मतलब आती हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ही नापी भी जाती हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और वो इनकम स्टेटमेंट कुछ और नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सर अभी तो आपने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर आता है तो सर मैंने आपको बताया था बट आप एक चीज़ और देखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिज़ल्ट होगा वो फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम लोग अल्टीमेटली लेके कर कहाँ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप लेके करके इसको जाएंगे तो अल्टीमेटली आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही सारी चीज़ें डाल दी क्योंकि आपने रिजल्ट डाला ट्रेडिंग अकाउंट का उसके अंदर तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी चीज़ें आ चुकी हैं नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव बाय प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन हमको पोजिशन के लिए भी ये स्टेटमेंट बनानी चाहिए ताकि हमको बिजनेस की पोजीशन का पता चल सके कि हमारा आज की डेट में कितनी लाइबिलिटी या कितनी असेट्स होल्ड करते हैं और कितनी लाइबिलिटी इसके लिए हम लोग बाउंड हैं पे करने के लिए नाउ वी शैल सी सम ऑफ द बेसिक टर्म्स दैट विल बी यूज थ्रू आउट द चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर सो इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो इन पास्ट टू और थ्री वीडियो आई हैव हैड असन ऑन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यू कैन वॉच सच लेसन ऑल्सो बट इन टूडेज लेसन ऑल्सो आई विल गिव यू कि हेड्स ऑन ऑन दिस टॉपिक आप वो लेसन भी देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट आज भी मैं इसका एक थोड़ा सा क्यूक ले लूँगा ताकि आपको इसमें हेड्स ऑन हो जाए हैंड्स ऑन हो जाए ताकि हम लोग चैप्टर में कहीं अटके ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक बार डेफिनेशन देख ले कहते हैं द नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर हुज़ बेनीफिट इज डराइव बाई बिजनेस फॉर मोर देन अयर इस कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज यू नो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कभी कभार होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बिजनेस में काफ़ी कम होती है और जो बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड देते हैं ठीक है कभी कवर होने वाले एक्सपेंस जिनकी फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूस नहीं है एक ही बार होते हैं और जिसका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के लिए मिलता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं इट इंक्लूड्स द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इंकर्ड टू एक्वायर और इम्प्रूव एनी फिक्स असेट और एक्वायरिंग एनी लीगल राइट्स और फर्स्ट टाइम एक्सपेंसिस इंकर्ड टू मेक फिक्स असेट वर्केबल एग्जाम्पल परचेज़ ऑफ़ मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर एक्सेट्रा तो सर समझ में क्या आता है कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कुछ भी हो सकता है मान लीजिए मैंने कोई फिक्स असाइड खरीदने के लिए क्योंकि फिक्स असाइड बिजनेस में एक ही बार खरीदी जाती है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बिजनेस के साथ रहती है तो उसके लिए अगर कोई भी लोन मैंने लिया है उस असाइट को ख़रीदने के लिए तो वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करा जाएगा या मैं किसी फिक्स असाइट को इम्प्रूव कराना चाहता हूँ जिससे उस फिक्स असाइट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और एक्सपेंसिस इंकर्ड एक्सपेंसिस इंकर्ड टू एक्वायर पेटेंट ट्रेडमार्क एक्सेट्रा एंड एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेकिंग एन नसेट रेडी टू यूज़ लाइक इंस्टॉलेशन एक्सपेंस तो आपने डेप्रिसिएशन में भी ये चीज़ देखी होगी कि जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन के अंदर मशीनरी की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस जोड़ देते हैं तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है क्यों क्योंकि वो मशीन को पहली बार यूज़ करने से पहले पहले खर्चे करने पड़ सकते हैं हमको कैरिज फर्स्ट टाइम एक्सपेंसिस इनकर्ड ऑन सेकेंड हैंड फिक्स असेट फॉर मेकिंग इट रेडी टू यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा था क्योंकि आपको क्या करना है ना कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पहले इन दोनों को अलग अलग बांट देना है आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर के अंदर अगर आपको नहीं पता है कि इस चैप्टर के अंदर इसका रेलिवेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो बहुत बड़ा रेलिवेंस है क्योंकि आपको आज सेट ऑफ ट्रांजेक्शन गिवन होगा एग्जामिनेशन में उसमें से आपको छाट छाट के निकालना है कि ये वाला कैपिटल है और ये वाला रेवेन्यू है और ये वाला डेफर्ड रेवेन्यू है और इन तीनों की ही जगह अलग अलग फिक्स हैं पहले से ही तो अगर आप वो छाट पाते हैं ढंग से तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली है क्योंकि आपको फिर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करना है जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जैसे मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे, के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे कहाँ जाएंगे बैलेंस शीट में अगर मैंने कोई सर फिक्स सेट परचेज करिए तो सीधा और सीधा आप कहाँ दिखाएंगे उसे बैलेंस शीट में ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों में से कहीं नहीं दिखेगा सिर्फ उसे बैलेंस शीट में दिखेगा तो सर आपके पास ना दो यहाँ पे तरीके हैं चीज़ों को करने के अगर आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बांटना नहीं चाहते तो दूसरा तरीका जो आपके पास में बचता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट रट लो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने आइटम आ सकते हैं मैंने यहाँ पे नीचे फॉर्मेट में दिए हुए हैं आप चाहो तो उन सभी आइटम्स को रट सकते हो बिना लॉजिक के ठीक है लेकिन आपके पास एक और तरीका है कि आप लॉजिक के साथ में समझिए कि सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बैलेंस शीट में आते हैं फिर मुझे रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर मैं ये जान पा रहा हूँ एक्सपेंस को देख के कि ये कैपिटल है या ये रेवेन्यू है या डेफिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अगर मैं उनको क्लासीफाई ही कर पा रहा हूँ आराम से तो फिर मैं आराम से मुझे कोई रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेकिन अगर मैं ढंग से क्लासीफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि कैपिटल है या रेवेन्यू है या डेफिट रेवेन्यू है तो फिर मुझे दिक्कत होगी और फिर बैटर यही होगा कि पास होने के लिए आपको रटाफिकेशन करना पड़ेगा एट द लास्ट टाइम लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि आप लॉजिक के साथ में समझिए अभी अभी मैं आपको साथ साथ समझाता चल रहा हूँ ये चीज ओके नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं ये रिकिंग नेचर के होते हैं बार बार होते हैं रूटीन बोल सकते हैं रूटीन नेचर के होते हैं विच आर इंकर्ड फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस स्मूथली एंड विच हेल्प टू मेंटेन बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर for an example expense incurred for producing finished goods such as direct expenses purchase of raw material and other expenses as rent salary repairs etc so basically these expenses are known as revenue expenditures which are reoccurring in nature बेसिकली जो रूटीन नेचर के खर्चे होते हैं या मैं बोलूं जो डे टू डे बिज़नेस एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जो खर्चे होते हैं जैसे सैलरी हो गई रॉ मटेरियल ख़रीद करके लाए वो हो गया या मान लीजिए आपने कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस करा वो हो गया कैरेज इन्वर्ट करा वो हो गया तो ये सारे ही खर्चे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालेंगे तो आप समझ में आ रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है डेप्रिसिएशन हो गया तो डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो हर साल होता है अब मैं आपको एक बात बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट ठीक है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज़ होना चाहिए बट अगर नहीं होता है तो मैं आपको क्लैरिफाई फिर भी कर देता हूँ कि मैंने एक मशीन खरीदी दस लाख रुपये की एक मशीन में दस लाख की खरीदी उसके ऊपर आप हर साल एक लाख रुपये का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं आप दस लाख रुपये तो को सिंपल सिंपल बैलेंस शीट में लेके जाएंगे क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग डेबिट साइड ऑफ इनकम स्टेटमेंट दिखाते हैं ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड या ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि अगर मैंने एक मशीन खरीदी है तो बैलेंस शीट के अंदर जाएगी क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना जो डेप्रिसिएशन है जैसे मैंने अभी आपको बताया डेप्रिसिएशन क्या है? सर, depreciation, revenue expenditure होता है सर डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट साइड जाएगा इनकम स्टेटमेंट के ओके तो आप ये समझिए कि दस लाख ,00 की मैंने मशीन टोटल खरीदी और मैं उसी दस लाख पे हर साल एक एक लाख रुपए लगा रहा हूँ दस साल के लिए तो आप अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि मैंने और कुछ नहीं करा जो दस लाख की मैंने मशीन खरीदी थी उसके ही दस टुकड़ों को मैंने इनकम स्टेटमेंट में दिखाया दस साल तक और एक बार में बैलेंस शीट में भी दिखाया जिस साल मैंने परचेस करी उस साल मैंने दस लाख पूरी बैलेंस शीट में दिखा दिया फिर उसको मैंने तोड़ तोड़ के दस हिस्सों में इनकम स्टेटमेंट में दिखाया हर साल एक एक लाख करके इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन तो आप समझिए कि जो खर्चा मैंने दिखाया वो दोनों जगह दिखाया बट नाम अलग अलग थे उसके उसका नेचर अलग अलग था ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है हालांकि कैपिटल ही बाद में रेवेन्यू बनने वाले हैं बट जब वो बड़े अमाउंट का खर्चा इकट्ठा हो जाएगा तो आप कैपिटल उसको फटाफट से दिखा देंगे और फिर उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे अमाउंट में रेवेन्यू करके राइट ऑफ करते रहेंगे नाउ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर the expenditure which is revenue in nature, but the heavy amount spent and benefit likely to be derived over a number of years, called deferred revenue expenditure. For an example, heavy expenses on advertising on launching a new product, and hence it is capitalized like any fixed asset. So basically, आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आपने उसके लॉन्च पे, उसके एडवरटाइजमेंट पे बहुत सारा खर्चा कर दिया. बहुत सारा खर्चा मतलब जैसे आप जानते ही हैं कि आजकल हर, for every ad दे हायर बॉलीवुड स्टार्स बॉलीवुड स्टार को हायर करते हैं और उनका जो जो बेसिकली रेमेशन जाता है जो उनका पैकेज जाता है वो लैक्स में जाता है तो आप समझिए कि अगर आप छोटा सा भी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका मान लीजिए अगर मैंने छोटा सा प्रोडक्ट एक्स लॉन्च करने की सोच रहा हूँ और मैंने उसके ऐड के लिए किसी बॉलीवुड स्टार को पर्टिकुलरली हायर कर लिया तो वो मेरे से मान लीजिए पंद्रह से बीस लाख रुपये तक ले जाता है तो आप समझिए कि बड़ा अमाउंट हो सकता है एक छोटे ट्रेडर के लिए तो पंद्रह से बीस लाख या फिर मान लीजिए एक बड़े ट्रेडर के लिए उन्होंने बड़े ट्रेडर से ले लिए सौ लाख रुपये या मान लीजिए एक करोड़ रुपये ले लिए एक पर्टिकुलर रेट के लिए पचास लाख रुपये ले लिए तो पचास लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है अभी प्रोडक्ट लॉन्च ही हो रहा है तो कोई भी अमाउंट उसके ऊपर खर्च करना बड़ा ही है कंपनी के लिए क्योंकि प्रोडक्ट अभी कोई रिवेन्यू अर्न नहीं कर रहा एडवर्टीज़मेंट एक ऐसा एक्सपेंस है ना जो रेवेन्यू से पहले करना पड़ता है जब जाके आपको रिवेन्यू मिलता है तो अगर आपने हैवी खर्चा करा है एडवर्टीज़मेंट पे अब उसका बेनिफिट आपको ओवर द नंबर ऑफ इयर्स मिलेगा अब आप, आपने एडवर्टीज़मेंट आज कराया तो ऐसा थोड़ी ना कि उसका बेनिफिट आपको सारा का सारा आज ही मिल जाएगा उसकी लाइफ का कुछ नहीं कह सकते कि वो आप देखते हो कि बहुत पुराने पुराने एड भी कभी कभी टीवी पे दिखा दिए जाते हैं तो आप समझिए कि कंपनी ने उसके ऐड के ऊपर कब खर्चा कर रहा होगा दस साल या बीस साल पहले और उसका बेनिफिट वो आज तक उठा रहे हैं तो बेसिकली ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आप आने वाले कई सालों में उठाने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं डेफेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसको फिक्स असेट की तरह राइट ऑफ करा जाता है फिक्स असेट की तरह दिखाया जाता है बैलेंस शीट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप दो का ट्रीटमेंट तो समझ गए होंगे कि कैपिटल वालों को हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वालों को दिखाते हैं डेबिट साइड ऑफ इनकम स्टेटमेंट नाउ एज पर मैचिंग प्रिंसिपल देखो बहुत डीप में समझना डेफेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सपेंस जो होते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में वो उसके रेवेन्यू के साथ में मैच करे जाते हैं अगर आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ पे जल्दी से मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने एक साल में एक लाख रुपये की सेल करी है तो उस सेल को करने के लिए जितना खर्चा आपने कराया है जो इस साल से रिलेटेड है सिर्फ़ और सिर्फ वही दिखाना मतलब क्या है सर जैसे इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड सेल्स आती हैं तो डेबिट साइड वो सारे खर्चे आते हैं जो उस सेल को करने के लिए हमने करे हैं ठीक है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी साल के मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल सो एक्सपेंसिव इंकड इन अकाउंटिंग पीरियड आर मैस्ड विद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन दैट अकाउंटिंग पीरियड वही बात जो मैंने आपको बोली सो द होल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ ईयर ओवर विच द बेनिफिट इज लाइकली टू बी डेराइव्ड डूरिंग करंट अकाउंटिंग ईयर तो बेसिकली उन्होंने क्या बात कही है कि सर देखो जैसे हमें नंबर ऑफ ईयर्स में उसका बेनिफिट मिलने वाला है तो हर साल हमें उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ऐसा खर्चा बान के क्योंकि उससे हर साल सेल्स आएंगी तो उस सेल्स के वर्सेस में हम लोग डेबिट में लिखेंगे खर्चा तो क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स ऐसे करके हमको हर साल दिखाना पड़ेगा लेकिन ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर मतलब अभी फर्स्ट साल में ओनली डेट पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच हैज फैसिलिटेटेड द एंटरप्राइज टू आन रिवेन्यू ड्यूरिंग करंट ईयर ठीक है और जो बाकी बचा हुआ खर्चा है वो अगले साल के लिए कर देना चाहिए जैसे मान लीजिए मैंने आज खर्च करा पूरा का पूरा पचास लाख रुपए और मुझे पता है कि उस पचास लाख से मेरी जो बेनिफिट हुई है मान लीजिए दस लाख की हुई तो दस लाख रुपए मैं दिखा दूंगा इस साल डेबिट साइड और चालीस लाख में दिखाऊंगा असेट साइड क्योंकि अभी वो मेरा रिमेनिंग है और मैं उसको हर साल राइट ऑफ करता रहूंगा जैसे कि मशीनरी के केस में मैंने आपको बताया था कि आपने एक बार मशीनरी इकट्ठी दिखा दी फिर आप उसको दस टुकड़ों में हर साल एक एक लाख करके राइट ऑफ कर रहे हैं दस लाख की मशीनरी सेम अप्लाइज हेयर तो डेफिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली में एसेट नहीं होते हैं बट ये एसेट सेट दिखाए जाते हैं राइट ऑफ करने के पर्पज से कैपिटल रिसीट्स जैसे कि अभी अपना खर्चा देखा खर्चे की क्लासिफिकेशन देखी वैसे अब रिसीट की भी क्लासिफिकेशन देखिए क्योंकि रिसीट की अपनी जगह उससे तय होती है कि उसका नेचर क्या है कैपिटल रिसीट आर दो इनरेगुलर रिसीट इनरेगुलर रिसीट का मतलब जो हमें बार बार नहीं मिलती हैं दैट डोंट अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इट इधर इंक्रीजेज द लाइबिलिटी और रिड्यूस द फिक्स असेट्स सो दे विल भी शो इन द बैलेंस शीट कैपिटल रिसीट आर नॉट मेड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट टू द ओनर सो बेसिकली ये वो रिसीट्स होती हैं जो या तो लाइबिलिटी बढ़ाती हैं या तो फिक्स असेट्स को कम करती हैं मतलब लाइबिलिटी कैसे बढ़ाती हैं जैसे कैपिटल रिसीट का मतलब क्या हो गया इज रेगुलर मतलब जो हमें कभी कभी मिलती हैं जैसे हमने लोन लिया कोई तो लोन लेते टाइम हमें लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसको कैपिटल इसीट बोलेंगे या किसी फिक्स सेट को हमने सेल कर दिया तो वो कैपिटल रिसिट है अब फिक्स सेट आप बिज़नेस में किस लिए ख़रीदते हो यूज़ करने के लिए बेचने के पर्पज़ के लिए तो कोई नहीं खरीदता बेचने के लिए पर्पज़ के लिए तो गुड्स खरीदे जाते हैं बिज़नेस में बट अगर आप बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदते हो फिक्स सेट और फिर भी बेच रहे हो तो उससे आया हुआ पैसा आप इनकम नहीं मान सकते बिजनेस के लिए वो कैपिटल इसीट होगी फिर बिजनेस के लिए गॉट माई पॉइंट और नॉट नाउ सो दे बी शोन इन द बैलेंस शीट कैपिटल रिसीट आर नॉट मेड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट टू द ओनर क्योंकि एक्चुअली में प्रॉफिट होता ही नहीं है रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू रिसीट आर रिसीव इन नॉर्मल एंड रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक रिस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रैंडरिंग सर्विसज टू कस्टमर तो जो मेन बिजनेस है जो मेन काम है बिजनेस का जो मेन जो कंपनी जिसके लिए जो मेन सोल प्रशिप जिसके लिए चल रही है फॉर एन एक्जाम्पल मान लीजिए मैं मसाला बेचने का काम करता हूँ या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गारमेंट्स का काम है तो गारमेंट्स बेच के जो मेरे पास पैसा आता है वो है रेवेन्यू रिसीट अगर मैं गारमेंट बनाने की कोई मशीन बेच देता हूँ तो वो कैपिटल रिसीट है ओके तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट तो कैपिटल रिसीट तो हमें, हमें हमेशा बैलेंस शीट में दिखानी है जैसे आप लोन लेते हैं तो लाइवली साइड बैलेंस शीट में दिखा दिया अगर आपने फिक्स बेची तो बैलेंस शीट में से माइनस कर दिया तो सारा ट्रीटमेंट उसका बैलेंस शीट में ही होना है रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू रिसीट का ट्रीटमेंट होगा इनकम स्टेटमेंट में देखिए इनकम फ्राम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लाइक इनकम फ्राम इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इन डिविडेंड रिसीवड एंड रेंट रिसीव कमीशन एंड अर फीस रिसीव फॉर नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्सेट्रा दिस रिसीव इक्रीजेज प्रॉफिट आर फोन द्रेड साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रेड साइड जाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेड साइड जाएगी हालाँकि ज़्यादा से ज़्यादातर इनकम्स जो होती हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेड साइड ही जाती हैं रेवेन्यू रिसीड भी हो गया अब एक्सपेंस की टाइप देख लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस शायद आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में पता भी हो दो एक्सपेंसिस विच आर इन कड ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटीरियल्स इन टू फिनिश गुड्स तो बेसिकली ये आपको पता होगा ऐसे डायरेक्ट खर्चे जो डायरेक्टली प्रोसेस में यूज़ होते हैं एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो भी खर्चा करा जाता है बीच की प्रोसेस में उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस कैरेज फ्रिट कार्टेज इनवर्ड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस सच एज पावर फ्यूल वाटर एक्सेट्रा फैक्ट्री एक्सपेंसेस रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन सो बेसिकली आपने ये चीज़ें अच्छे से समझ ली होंगी कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने तक में जो खर्चे होते हैं बीच के पहले पहले उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ये वो खर्चे हैं जिनके बिना प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है नाउ इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं सर आपने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाया डेफिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाया अब डायरेक्ट और इंडायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा रहे हैं क्या इसका रेलिवेंस भी है तो हाँ इसका रेलिवेंस भी है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसिस सारे के सारे कहाँ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में केवल और केवल डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं जाते हैं अगेन तुमको पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं अगर आप ये क्लासिफाई कर पाओगे तो बहुत बढ़िया है वरना आपको फिर वही रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो सभी खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन से और परचेज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड इन एक्सपेंसेस इट इंक्लूड्स दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड फाइनेंशियल एक्सेट्रा एक्सपेंसिस एक्सेट्रा दिस एक्सपेंसिस आर शोन एट द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बेसिकली इन डायरेक्ट एक्सपेंसिस देखो जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं उनकी वेजेस होती है तो उनकी वेजेस आप ट्रेडिंग में दिखा देंगे लेकिन एक अकाउंटेंट को आपने रखा है तो अकाउंटेंट का प्रोडक्शन में कोई पार्ट ले रहा है डायरेक्टली हाँ इनडायरेक्टली तो वो पूरी कंपनी को एज अ होल बेनिफिट दे रहा है अपनी सर्विसेज से बट वो डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले रहा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है उसकी सैलरी उसकी सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गई तो आपको याद रखना है कि सैलरी अगर खाली सैलरी दे रखा है आपको तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे okay. लेकिन अगर आपको वेजेस दे रखा है तो फिर वो आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे लेकिन अगर आपको ऐसे करके दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज वेजेस एंड सैलरीज तो आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे क्योंकि उसमें पहले वेजेस लिखा हुआ है देन सैलरीज अगर ऐसे दे रखा है सैलरी एंड वेजेस तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे क्योंकि उसमें सैलरी पहले दे रखा है नाउ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम हेयर वी शैल बी डिस्कसिंग दिस फ्रॉम दिस पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास so we will be seeing calculation of gross profit in the next class thank you for today and let's see you in the next class